बैठिए। अच्छा हूँ डॉक्टर, अब माइग्रेन से भी आराम है। सचमुच माइग्रेन से छुटकारा पाने के लिए कितनी अच्छी सलाह दी थी, स्टीम बाथ और बीवी के साथ रोमांस। मेरी सलाह काम आई ना? 100%। दरअसल मैं भी माइग्रेन से परेशान था, लेकिन मेरी वाइफ ने मुझे इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया कि जिससे मैं अच्छा हो गया, और इसीलिए मैंने भी आपको वही सलाह दी। मैंने भी वैसा ही किया सचमुच डॉक्टर साहब, रोमांस भी एक ट्रीटमेंट हो सकता है, ये तो मुझे अब पता चला। हाँ, लेकिन अगर सही वक्त पे और सही तरह किया जाए तो। ले लीजिए सर, मिठाई खा लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत था डॉक्टर साहब, दरअसल मैंने आपके कॉलोनी ही में घर ले लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा काम किया, अब तो रोज मुलाकात होती रहेगी। हाँ, और वैसे भी माइग्रेन से निजात पाने के लिए आपके घर तो आना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे घर आने की क्या जरूरत है? तो और कहाँ जाऊंगा डॉक्टर साहब, मेरा माइग्रेन का इलाज आपके घर में ही हो सकता है। क्या मतलब? आपने माइग्रेन के इलाज के लिए बताया था कि आपके मिसेज ने आपको ट्रीटमेंट किया था और आप ठीक हो गए। तो मैंने भी अपना ट्रीटमेंट उनसे ही कराया है, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं भला किससे रोमांस करता। लेकिन आपकी सलाह मान के मैंने आपके मिसेज से रोमांस शुरू की है, कसम से उसके बाद काफी राहत है। जब भी मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम होती थी मैं आपके घर पहुंच जाता था। कसम से डॉक्टर तो आप हैं, लेकिन आपको मिसेज को रोमांस ट्रीटमेंट देना बहुत खूब आता है। वाह, कैसे हैं डॉक्टर सर? ये क्या कह रहा है? हाँ, वो बिल्कुल सही कह रहा है, महेश को इसकी बीमारी से निजात दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, आपका काम है मरीजों का इलाज करना, और मैं एक समाज सेविका हूँ, मेरा काम है परेशान लोगों का मदद करना। अरे लेकिन इस काम में इसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? मैंने इसे कहा था कि मैं तुम्हारे इस काम में मदद नहीं कर सकती, तुम कोई दूसरी समाज सेवा करो। तो इसने कहा आपसे अच्छी इस संसार में कोई दूसरी समाज सेविका हो ही नहीं सकती, तो मैं कहा जाऊँ? तो फिर क्या हुआ? होना क्या था, मैं इसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। समाज सेविका जी, आप महान हैं। अबे चुप, इस बेचारे को क्यों डांट रहे हो आप? अगर ये बीमार है इसमें इस बेचारे की क्या गलती है? और ये मत भूलो तुम बीमार हुए थे तो मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। अरे तुमने मेरी मदद की थी ठीक है, लेकिन इस काम में इसकी मदद करने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये बताओ, क्या तुम डॉक्टर सिर्फ अपनी पत्नी के लिए बने हो? अरे नहीं, लेकिन तुम्हें इस बीमारी में इसकी मदद नहीं करना चाहिए थी, ये गुप्त बीमारी है। तो कोई औरत अगर आपके पास अपनी गुप्त बीमारी लेके आई तो क्या आप इसकी मदद नहीं करेंगे? अरे वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, मैं डॉक्टर जो हूँ। तो बस मुझे भी इसकी मदद करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं भी एक समाज सेविका हूँ। तुम अपनी इस समाज सेविका का काम बंद कर दो। तुम पहले अपनी डॉक्टरी का काम बंद करो। अरे डॉक्टरी मेरा पेशा ही नहीं, मेरी हॉबी भी है। बस इसी तरह ही समाज सेवा मेरा पेशा नहीं, मेरी हॉबी है। ठीक है, तुम्हारा जो दिल चाहे करो। अब है ना लाइन पे? अब आपकी तबीयत कैसी है? मैडम अभी थोड़ी तकलीफ बाकी है। ठीक है, बाद में घर पे आ जाना। अब तुम्हारे पास जो भी माइग्रेन के मरीज आएंगे उनको मेरे पास भेज देना। हाँ?